अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों हमने ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी जिसे हम वी भी कह देते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ठीक है अब इसमें हमने पढ़ा क्या था हमने ये पढ़ा था कि भाई किसी जो जो एटम के हैं ना वैलेंस ऑर्बिटल्स जो हैं वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाफ फील्ड हैं ठीक है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं और ये ओवरलैपिंग जो है ना बाद में बनाती है हमारा बॉन्ड ठीक है ना हमने ये कहा कि भी इसकी वजह से ना इसकी मदद मतलब से हमें ये पता चल गया कि कॉज ऑफ बॉन्डिंग क्या है कॉज ऑफ बॉन्डिंग क्या है कि भाई इस ओवरलैपिंग के नतीजे में जब बॉन्ड बनता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो अप हो, हो, हो जाते हैं अब हम इसे अप्लाई करने जा रहे हैं कुछ चीजों पर हम देखते हैं कि क्या ये कुछ चीजों के बॉन्ड एंगल्स को सही से एक्सप्लेन कर पाता है या नहीं लेट्स अप्लाई टू सल्फर ठीक सल्फर की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करो तो बाकी सारी चीजें जो है ना वो बाद की कहानी है आपको ये पता चलेगा कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है उसमें क्या है उसमें ये मतलब सम नंबर इन एस और फिर जो है ना उसमें एन पी एक्स एन पी वाई और एन पी जी ठीक है ना मतलब ये है कि इसके वैलेंस सेल मैं ये एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वैलेंस सेल वट एवर इट वुड बी ठीक है ना वैसे जो भी होता है हम इस बार इस केस में भी जा नहीं रहे हम ये बस देख रहे हैं कि भाई इसकी वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन कैसी होगी तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसके वैलेंस में छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है तो वैलेंस सेल में जो छे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ये हम देख रहे हैं कि भाई एक जो है ना एस सेल एसल जो है ना वो कम्प्लीटली फील्ड है ठीक है तो ये हो गए दो तीन चार पांच और ये छठा इलेक्ट्रॉन ठीक है ना छठा छे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इसके वैलेंस सेल में आ गए हमारे पास ठीक है सेल में जो छह इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मदद से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कौन कौन से जिन्होंने बॉन्डिंग करनी है ठीक है ना ये दोनों तो कंप्लीटली फिल्ड है एन एस टू जो एस ऑर्बिटल है वो भी और पी एक्स जो है ना वो भी कंप्लीटली फील्ड है तो इन्होंने तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेना नहीं है बॉन्डिंग में हिस्सा लेना किस चीज में है ये पी वाई और पी जेड ने इन दो ऑर्बिटल्स ने बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है सो लेट्स सी कि अगर ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं हम जो है ना इसे किस तरह बनाएं तो हमारी बात बन जाएगी ये है मैं कहता हूं पहले मैंने एस ऑर्बिटल बनाना हमें पता है एस ऑर्बिटल जो है वो सफेरिकल होता है ठीक है ना और एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिए चले ये जो है ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी दिखा दिए हमने अब जो है ना हमने क्या बनाना है पी बनाना है अब पी जो है ना वो क्या है पी में भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं ठीक है अब ये आ जाएगा आपके पास पी वाय वाई में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ठीक है ना अब यहां पर मैं इस तरफ जो है ना थोड़ा सा बाहर की तरफ बना देता हूं ये वाली जो हमारी चीज है इधर भी पी जेड में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बना देता हूं ठीक है अब पी जेड में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बना दिया अब मैं कहता हूं कि मैंने सल्फर से एच टू एस बनाना है ये गैस होती है ठीक है ना हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ आपको पता है ना कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जो है वो वन एस वन होती है ठीक है ना तो मतलब ये है कि आपने हाइड्रोजन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर अप करवा देना है यहां पर भी हाइड्रोजन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो अप करवा देना अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो पी वाई था और ये जो पी जेड था इसके दरमियान एंगल कितना था अब आप ये मुझे अगर ये बताना मुश्किल है तो इस तरह से सोच लें कि आ, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान एंगल कितना था आपको पता है ना कि भाई ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में जो हर एक्सिस के दरमियान का एंगल जो है वो कितना होता है 90 डिग्रीज होता है तो ये वाला एंगल जो है ना ये इन एक्सिस के दरमियान ऑलमोस्ट नाइंटी डिग्री बॉन्ड एंगल जो है ना वो हम एक्सपेक्ट करते हैं अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू नाइनटी डिग्रीज और आपको पता होना चाहिए कि भाई एच टू एस के लिए अगर मैं इसे थोड़ा सा ओपन करके बनाऊं ये सल्फर है यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये एक्चुअली नाइनटी टू डिग्रीज होता है वेरी क्लोज टू नाइनटी डिग्रीज राइट बहुत क्लोज है नाइन्टी डिग्रीज ठीक है तो एक तरीके से तो हमने ये जो है ना समझने में आसानी अपने लिए पैदा कर ली कि भाई ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉन्ड है ये क्या होता है ये न, न, ये बॉन्ड एंगल जो है ना ये हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही चीज ऑक्सीजन पर काम करेगी क्या यही चीज कार्बन पर काम करेगी क्या यही चीज जो है बाकी एटम्स पर बाकी एलिमेंट्स पर काम करेगी लेट्स सी सी लेट्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी ऑक्सीजन के लास्ट चल की कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर ऑक्सीजन सेम ग्रुप का एलिमेंट है ना तो मैं उसकी ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ नहीं जा रहा आप चाहे तो देख लें उसकी आखिरी शैल में जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन है ना वो इसी तरह की होगी उसमें क्या होगा उसमें ये होगा कि एक जो एस ऑर्बिटल है वो होगा कंप्लीटली फील्ड। उसके बाद पी एक्स ये टू पी एक्स लिख देस मैं अभी जो है ना ज्यादा इसे गहराई में नहीं जा रहा असल में वो टू ही होता है है लेकिन मैंने जो है ना आसानी के लिए समझाने के लिए जो है ना, का, का। ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो एनपीएक्स एन पी वाई और एन पी जी ठीक है ना ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तीन चार

एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो है फॉर एज टू ओ ये हम पहले पा रहे हैं वेस्पर थेरी में, है वाली बात ऐसा क्यों हो गया आखिर ठीक है मतलब इससे पहली एक थेरी बॉन्डिंग की वजह को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी लेकिन उसने बॉन्ड एंगल को मॉलिक्यूल की शेप को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था अब ये वाली जो थेरी है जिसे हम कह रहे हैं कि थोड़ी ज्यादा अप्रिसाइज है जी ज्यादा सवालों के जवाब हमें देती है तो वो उस बेसिक सवाल का जवाब नहीं दे पा रही ऐसा ही जो है ना कुछ और चीजें हमारे साथ हुई जब मैं आपके साथ बात करूं कि ये तो चले बॉन्ड एंगल की कहानी थी ना बॉन्ड एंगल का मसला आ रहा है मैं कहता हूं जी कार्बन है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं कार्बन के छह इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ली कार्बन ग्रुप फोर ए का एलिमेंट है ये देखें पहला शेल तो उसको तो भूल जाए वन एस टू क्योंकि ये लास्ट शेल नहीं है ना ये टू एस टू टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जेड अच्छा हम ये कहते हैं कि ये जो कार्बन है ये चार बॉन्ड्स बनाता है लेकिन इसके पास वैलेंस वेलेंस शेल्स जो हैं वो कितने हैं वो तो सिर्फ दो हैं यो हाँ फिल्ड तो सिर्फ दो हैं। तो हमें तो वैलेंस बॉन्ड बता रही है कि कार्बन को होना चाहिए भाई डाईवेलेंट ऐसे ही है ना कार्बन को डाइवेलेंट होना चाहिए बट कार्बन इज नॉट डाइवेलेंट कार्बन जो है असल में क्या होता है टेटरा वेलेंट होता है एक ये सवाल जो सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से जवाब जिसका नहीं दिया जा सकता आज असल में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या फ्लॉ था और उस फ्लॉ को भी ठीक किस तरह से किया गया ठीक है ना अब ये देखें बिल्कुल इसी तरह और भी चीजें हैं जैसे मैं कहता हूं जी बोरॉन अब बोरॉन की बात कर लें बोरॉन जो है जी 1s2 फिर ये जो है 2s2 2px 2py और 2pz ठीक है ना अब एक दो तीन तीन, तीन चार और ये पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गई इसे मोनोवेलेंट होना चाहिए बोरॉन को लेकिन ये असल में मोनोवेलेंट नहीं है ना ये कार्बन डाइवेलेंट है ना ये बोरॉन मोनोवेलेंट है ये असल में क्या है ये असल में ट्राईवेलेंट है आप देखते हैं ना बी एफ थ्री का जो बॉन्ड है अब इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं मीथेन का एक मशहूर जमाना कंपाउंड है जी सी एच फोर

अच्छा ये चार इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए मतलब इस चीज को इसके मुताबिक इनर्ट होना चाहिए था कोई बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए लेकिन ये डाइवेलेंट है हैरानी वाली बात है बहुत हैरानी वाली बात ऐसी बात जो समझ ही नहीं आती आखिर भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थेरी जिसे हमने एक बेटर थेरी समझा था वे मैकेनिकल अप्रोच को उसमें इस्तेमाल किया और बाकी सारी चीजें और वो हमें इतने गलत जवाब दे रही है तो हमें क्या करना होगा हमें इस वैलेंस बॉन्ड थेरी में कुछ इंप्रूवमेंट लानी होगी ठीक है पहली बात जो है ना मैं वाटर के मॉलिक्यूल के लिए कर लेता हूं जी वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू पी वाई और टू पी जी ठीक है ना ये इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब ये देखें एक दो तीन चार पाँच छे सात और ये आठों इलेक्ट्रॉन ये डाइवेलेंट है मैंने मान लिया जी ये डाइवेलेंट ही है इसका कंपाउंड जो है ना वो एच टू ही होता है लेकिन ये हमें प्रिडिक्ट करके क्या बता रहा है प्रिडिक्ट कर रहा है जी बॉन्ड एंगल ये बॉन्ड एंगल को मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ वो अप्रोक्सीमेटली नाइनटी डिग्री प्रिडिक्ट करके दे अब हैरानी वाली बात कि भाई ये नाइनटी डिग्रीज का बॉन्ड एंगल कहाँ से आ गया हमें तो 90 डिग्रीज नहीं चाहिए हमें तो वन जीरो फोर पॉइंट फाइव डिग्रीज चाहिए अब होगा क्या बच्चों ये है कि आपके पास ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ना ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है एनर्जी डिफरेंस इज स्मॉल अब ये आर्गुमेंट दिया गया कि अगर जिन चीजों का एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है वो जो है एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे नोट माई वर्ड मैंने कहा इंटरमिक्स ओवरलैप का वर्ड यूज नहीं किया अक्सर बच्चे यहां पर ये गलती करते हैं वेन दे टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन वो वही ओवरलैप वाला वर्ड जो पीछे वीबीडी में पढ़ के आए वो यूज करते हैं यहां पर क्या होगा इंटरमिक्सिंग होगी ठीक है ना और ये देखें कि अगर आपके पास चार अटोमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं तो वो इंटरमिक्स होने के बाद भी चार अटोमिक बनाएंगे ठीक है ना अब कौन कौन से अटोमिक इंटरमिक्स हो रहे हैं जी हम ये कह रहे हैं कि यहां पर एक एस एंड थ्री पी अटोमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं जब एक एस और तीन पी तो हम इस हाइब्रिडाइजेशन को नाम दे देते हैं एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन ठीक है हाइब्राइजेशन ठीक है इस इस किस्म की हाइब्राइजेशन को हम एस पी थ्री हाइब्राइजेशन हाइब्राइजेशन का मतलब क्या है हाउ डू वी डिफाइन ये है कि वो अटोमिक ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा सा है मतलब 2s और 2p ही आपस में इंटरमिक्स हो सकेंगे ऐसा नहीं है कि 1s और 2p आपस में इंटरमिक्स हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता हम होगा हमेशा क्या कि 2s सेम शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होने की सलाहियत रखेंगे और एक्सेप्शन इस रूल में भी हैं लेकिन अभी के लिए हम जो है उन्हें नहीं देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं भी जिनका एनर्जी का डिफरेंस वो थोड़ा सा होगा वो आपस में इंटरमिक्स होंगे तो जी एक एस और तीन पी ऑर्बिटल्स जो के ऑक्सीजन में मौजूद थे वो आपस में इंटरमिक्स हो गए अब इंटरमिक्स होने के बाद हमारे पास जो चीजें आएंगी ना वो सारी की सारी एक जैसी होंगी लेकिन पहले वाली चीजों से डिफरेंट होंगी पहले वाली सारी चीजें अब ये देखें ना पहले क्या था पहले आपके पास एक एस ऑर्बिटल था एक पी एक्स था एक पी वाई था एक जो है ना ये देखें ये मैं यहाँ पर ना इसको हमेशा क्योंकि मैंने इसकी एक लोब दिखानी है कि पेज के बाहर है है एक लोब जो ना मेरी तरफ है तो ये जो है ना ये 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 चार ये एक पी वाई और पी जेड इन सब ने एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होना है और इंटरमिक्स होने के बाद वो जो नया ऑर्बिटल बनेगा वो इन सब से डिफरेंट होगा और वो सारे के सारे जो चार नए हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं वो सारे एक दूसरे जैसे होंगे देखें वो कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई ये मेरे पास जो है ना चार एस पी थ्री जाएंगे। अब ये चार जो हैं, ये किस तरह अरेंज होंगे क्या ये सफेरिकल होंगे या येग जेड एक्सिस के अलोंग बताया ये गया कि भाई इन पर हम वेस्पर थेरी अप्लाई कर देते हैं वेस्पर, थेरी कैसे अप्लाई है? जी, वेस्पर थेरी ऐसे अप्लाई कर देते हैं कि ये कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें मैक्सिमम डिस्टेंस पर कैसे रहेंगे जी मैक्सिमम डिस्टेंस पर अगर ये अरेंज हो जाए टेट्राहीड्रली अगर ये टेट्राहीड्रली अरेंज हो जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है तो हम ये बात समझ भी सकते हैं समझा भी सकते हैं अच्छा कैसे ये डेटरा अरेंज हो जाए भाई एक जो है ना वो ये इस तरह मैं उसे यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरा जो ऑर्बिटल है उसको जी मैंने ना यहाँ पर और तीसरे ऑर्बिटल को यहाँ पर और जो है ना एक और जो है ऑर्बिटल बच गया उसे मैं यहां पर इस तरह से मतलब चार एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो है ना ये अरेंज हो जाएंगे अच्छा अब मैंने क्या कहा था मैंने ये कहा था कि एस ऑर्बिटल में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं पीएक्स में भी सॉरी दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयर्ड हैं और पीवाई और पीज में एक-एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनमें भी आपने यही कहानी चलानी है क्या है इनमें जो चार ऑर्बिटल्स हैं उनमें से दो कम्पलीटली फील्ड होंगे एक ये कम्पलीटली फील्ड है जी एक ये है। बाकी जो दो हैं वो जो है ना हाफ फील्ड होंगे अच्छा ये जो है ना मेरे पास क्या आ गए सारे एक जैसे जो हैं sp3 पी थ्री हेबाइज ऑर्बिटल आ गए अब sp3 सारे एक जैसे sp3 पी थ्री हेबाइज ऑर्बिटल आ गए भी, ये, भी ये भी sp3 है ये भी sp3 है ये भी sp3 है और ये भी sp3 है ये सारे एक दूसरे पर बराबर रिपल्शन जो है ना वो एग्जर्ट कर रहे हैं तो ये किस तरह से अरेंज हो गए जी ये टेट्राइड्रली अरेंज हो गए टेट्राहीड्रली अरेंज होने के बाद जो है ना अब क्या है अब यहाँ पर बॉन्डिंग होनी है बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में होता है जब एक ही ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन का चांस तो नहीं है ना यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ देखें यहाँ पर दो बॉन्ड बन जाएंगे ये दो चीज़ें जो है ना ये वाली ये ये वाला और ये वाला ये ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अब वही कहानी कि भाई 109.5 डिग्रीज होना चाहिए था लेकिन 109.5 डिग्रीज से कम हो गया है आपको पता है ना कि पहले हम ये पढ़े हैं कि जो चीजें टेट्राहेड्रली अरेंज होती हैं उनके दरमियान एंगल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्रीज होता है बट इफ वी हैव सम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनकी रिपल्शन ज्यादा होती है जब उनकी रिपल्शन ज्यादा होती है तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है तो असल में इसने डिक्रीज होकर क्या बना देना है जी 104.5 जीरो डिग्री तो अब जो है ना हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अप्लाई करके यहां पर भी वही चीज़ बना दी जो के हम वेस्पर थेरी से ला रहे थे वेस्पर थेरी से जो रूल्स जो आइडियाज हम लेके आए थे उसे अब हम वैलेंस बॉन्ड थेरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम कहें कि डिफरेंट शेप डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट साइज के ऑर्बिटल्स जिनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है एनर्जी का वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और सेम शेप सेम साइज और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना देते हैं जिन्हें हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं

वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट इसलिए बनाया गया था हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट इसलिए दिया गया था ताकि हम डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज डिफरेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं ना उन्हें मिलाकर सेम एनर्जी की चीजें जो है ना वो बना सके ठीक है ना ताकि उन दोनों का उन सब का इफेक्ट जो है एक दूसरे पर सेम हो और जो है ना हम इक्विवेलेंट बॉन्ड रिपल्शन और जो है ना उसके साथ साथ हम इकवेलेंट बॉन्ड लेंथ जो है उसको जस्टिफाई कर सकें ठीक है ना अब ये देखें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है ना वो सेम होती है और दूसरी बात ये है कि भाई ऑलमोस्ट उतनी ही रिपल्शन जितनी हम प्रिडिक्ट कर रहे थे वेस्पर से उतनी ही ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन बॉन्ड पेयर पर अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल उन्हें स्पेस में भी ओरिएंटेड उसी तरह होना चाहिए ना और यहाँ पर ये हमें 90 डिग्रीज का एंगल प्रिडिक्ट करके भी नहीं दे रहा तो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट जो है यहाँ पर अप्लाई हुआ जिससे हमने क्या सॉल्व कर लिया वाटर के बॉन्ड एंगल की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो हाइब्रिडाइजेशन को इस सारी बात से डिफाइन करना है अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन इस सारी बात के बाद अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करने जाएं तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की क्या डेफिनेशन आएगी वो जी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आने वाली है वो क्या है कि भाई Atomic orbitals atomic orbitals differing slightly in energy in energy intermix. याद रखें मैंने कहा इंटरमिक्स और बुक में भी ये वर्ड लिखा हुआ है ओवरलैप का वर्ड नहीं लिखा हुआ जब सेम एटम के ऑर्बिटल्स जो हैं एक दूसरे के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो इंटरमिक्सिंग ही कर सकते हैं जब दो अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो ओवरलैपिंग होगी ये सेम एटम की बात हो रही है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन जो है ना उसमें आप इंटरमिक्सिंग का वर्ड यूज करेंगे ओवरलैपिंग का वर्ड कभी भी यूज नहीं करेंगे डिफरिंग स्लाइडली इन एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म orbitals ऑफ सेम एनर्जी बस ये बात है कि अभी पहले जिनकी एनर्जी डिफरेंट थी और वो जो है क्या हो गए इंटरमिक्स हो गए सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाने के लिए अब जो है ना अटोमिक ऑर्बिटल्स इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन से पहले इनकी शेप भी डिफरेंट होती है इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है और आप चाहें तो इस डेफिनेशन में इस चीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं बट अगर ये आप इतनी सी बात भी लिखें तो भी जो है उसमें कोई मसला नहीं है इतना बड़ा ठीक है तो आज जो है ना हमने हाइब्रिडाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना था उसके बारे में समझना था तो वो मैंने अपनी तरफ से आपको विद द एग्जाम्पल ऑफ वाटर जो है ना वो समझा दिया अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है एक मसला है कि टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन ट्राइवेलेंसी ऑफ बोरान एंड डाइवेलेंसी ऑफ बेरिलियम वो किस तरह से एक्सप्लेन होगी वो भी इसी हाइब्रिडाइजेशन की मदद मतलब से एक्सप्लेन होगी हम कल जो है इस बारे में मजीद बात करेंगे मजीद जो है हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशंस को देखेंगे आज के लिए इतना काफ़ी है कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एज सून एज पॉसिबल आपको उसका जवाब दे सकूँ ओके अल्लाह हाफिज़